मंदसौर जिले के शामगढ़ में स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करते हुए एक प्रदर्शन किया गया। यूनियन के कर्मचारियों द्वारा रेलवे द्वारा रेल को निजीकरण करने को लेकर रेल बचाओ देश बचाओ का नारा देते हुए 9 अगस्त से ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यूनियन द्वारा कर्मचारियों को समझाते हुए रेल निजी हाथ में जाने के बाद उसके दूरगामी परिणाम को समझाते हुए प्रदर्शन किया गया और रेलवे द्वारा 150 ट्रेनों को रेलवे प्राइवेट कंपनी के माध्यम से चलाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है अगर ट्रेनें प्राइवेट हाथों में चली गई तो यात्रा करना गरीबों के लिए एक सपना बन जाएगा। जितने श्रम संगठन है सभी श्रम संगठन एक मंच पे आते हुए पूरे देश में इस मूवमेंट को चलाने का काम किया जा रहा है और विशेषकर जो भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा 109 रूट पे 150 गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उसके पीछे आशय भी यही है कि इससे रेल कर्मचारी का तो नुकसान होएगा, समय के साथ होएगा, लेकिन फर्स्ट डे से अगर सेकंड दिन से ही अगर किसी का नुकसान चालू होएगा तो देश की जनता का होने का काम होएगा। निर्णय जिला